इस वीडियो में हम बात करेंगे मेसनर इफेक्ट ऑफ फ्लक्स एक्सकर्शन कि मेसनर इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है। क्या बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अगर मैं बात करूँ, मेसनर एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट उनके साथ मिलकर 1933 में इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करा था, है ना, इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करा था और ये टॉपिक दिया था हमें मेसनर इफेक्ट इन सुपर कंडक्टिविटी, या फिर इसका एक और नाम है मेसनर इफेक्ट ऑफ फ्लक्स एक्सक्लूजन। ठीक है, मतलब क्या है, क्या मतलब होता है, जरा आराम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने बादल आप जो देख रहे हैं, इस बादल के अंदर मैंने इस टॉपिक की डेफिनेशन लिखी, लेकिन डेफिनेशन भी नहीं पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं होता क्या है। ध्यान समझो, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक मेटल की बॉल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मेटल की बॉल है जिसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है टीसी से। अब ये टीसी भाई साहब टिकट कलेक्टर नहीं है, ये टीसी है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कह लो या ट्रांजिशन टेम्परेचर कह लो। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, क्या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर बाय आर के फिजिक्स पर, तो आपको पूरी सुपर कंडक्टिविटी की वीडियो मिल जाएगी। ठीक, लेकिन फिर भी अभी ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये है कि एक वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारा कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक वो बॉर्डर टेम्परेचर है जहाँ पर एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मेटल की बॉल है, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक मेटल की बॉल है जिसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल टेम्परेचर के, और हमने क्या काम करा, हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दी। हमने क्या काम करा भाई मेरे, हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दी। तो ये रही हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा, ये रही हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हमने भैया कुछ नहीं करा, हमने इस बॉल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। अब जब जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उस मेटल की बॉल से अंदर से पेनिट्रेट होके बाहर निकल गई थी, है ना, वो पेनिट्रेट हो रही थी, मतलब कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड थी बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड थी। बोलो इतना बात समझ में आई कि नहीं, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर मतलब ये जो मेटल की बॉल थी ये क्या काम कर रही थी, अपने थ्रू अपने से पेनिट्रेट अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट कर पा रही थी। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पर क्या काम करा, हमने नहीं मेसनर, इन्होंने क्या काम, मेसनर ने क्या ऑब्जर्व करा, इन्होंने ये करा कि इस बॉल का ये जो कंडक्टर है ना, ये जो मेटल की बॉल है इसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते गए, है ना, इसको हम क्या करते गए, ठंडा करते गए, टेम्परेचर को डिक्रीज करते गए करते गए करते गए, और एक सिचुएशन हमें देखने को मिली। ये ध्यान से नहीं, ये वही बॉल है, ठीक है, अब हमारा जो टेम्परेचर है वो टीसी से कम है, हमारा जो टेम्परेचर है अब हमारा क्या हो गया, मान लीजिए टीसी से कम हो गया, टीसी से क्या मतलब कम हो गया, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से भी अब हमारा टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व देखने को मिली कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करने लगी ऐसे। कुछ इस तरीके से, क्लियर, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इन दोनों फिगर में क्या चीज समझ में आ रही है, फिगर में ये चीज समझ में आ रही है कि जब मेटल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा था तब वो क्या काम कर रहा था, तब वो अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट कर पा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर रही थी, उसको पेनिट्रेट कर पा रही थी और उसके आर पार जा पा रही थी। लेकिन जब हमने क्या काम कर दिया, हमने टेम्परेचर को घटा दिया, कितना घटा दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर से भी जब हमने कम कर दिया, जब हमने टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी क्या कर दिया भाई मेरे, कम कर दिया, तब हमें ये देखने को मिला, क्योंकि जब टेम्परेचर एक कंडक्टर का, अगर एक कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल से कम हो जाएगा तो वो भाई मेरे क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सुपर कंडक्टर। क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। यही तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, यही तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जब एक कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम हो जाए तब वो कंडक्टर नहीं रहता, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर तो ये कंडक्टर था, यहाँ पर तो क्या था भाई मेरे, कंडक्टर था, लेकिन ये यहाँ पर कंडक्टर नहीं रहा, यहाँ पर ये सुपर कंडक्टर बन गया। और जैसे ही हम इस टेम्परेचर के नीचे गए, जैसे ही ये कंडक्टर सुपर कंडक्टर बना, तो हमें ये देखने को मिला कि इसमें इसका जो फ्लक्स है,
इसका फ्लक्स था ना, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, तो इसका जो फ्लक्स है वो गायब होता गया, मतलब इसका फ्लक्स जो है वो जीरो होता रहा। फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये है कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी, पहले पास हो रही तो इसका फ्लक्स था, लेकिन जब जब ये सुपर कंडक्टर बन गया, जब ये क्या बन गया भाई मेरे, सुपर कंडक्टर बन गया, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साइड में से निकल रही थी, इससे पास नहीं हो रही थी, इससे पेनिट्रेट नहीं हो पा रही। क्या इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब आप कहोगे कि यार मेजनर को कैसे पता चला, और उसके पास तो एक बॉल होगी, उसके उसने तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई होगी, उसे दिख थोड़ी ना रही होगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है। आपका भी क्वेश्चन सही है, उसको थोड़े ना पता चल रहा होगा है, उनको थोड़े ना दिख रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमती हुई। भाई साहब नहीं, उनको पता नहीं चला, ध्यान समझो, उन्हें पता कैसे चला? सुनो, उन्होंने क्या काम करा है, यहां पर जैसे मेटल की बॉल है, उन्होंने सबसे पहले जब टेम्परेचर TC था, मतलब कि ये वाले केस में, उन्होंने एक पॉइंट ये लिया, बाहर का एक पॉइंट ले लिया r डिस्टेंस दूर पर, जब टेम्परेचर TC से ज्यादा था, जब टेम्परेचर TC से ज्यादा था, तो इस पॉइंट पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड देखी, इस पॉइंट पे उन्होंने क्या देखी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मान लेते हैं यहां पर हमारी 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं इस पॉइंट पर उन्होंने कितनी मैग्नेटिक फील्ड देखी, 5 टेस्ला की। ठीक है, जब उन्होंने इसको ठंडा करा और ठंडा करके सुपर कंडक्टर बना दिया, तब इसी पॉइंट पर, तब r डिस्टेंस पर, इसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 5 से 10 हो गई। 5 से कितनी हो गई भाई मेरे, 10 हो गई, मतलब कि दुगनी हो गई। तो इस चीज से, छोटी सी बात से क्या समझ में आ रहा है, जरा बता सकते हो आप मुझे कि नहीं बता सकते? ध्यान से समझो ना, इस पॉइंट पर पहले मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो 5 टेस्ला थी, कितनी थी भाई मेरे, 5 टेस्ला। अब यहां पर क्या हुआ कि अब जब जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम गया, तो इसका टेम्परेचर जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो 10 टेस्ला हो गई, बढ़ गई, दुगनी हो गई। तो इससे समझ में क्या आया, मेजनर को इसी बात से समझ में आया कि भाई पहले ये बॉल थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, पेनिट्रेट कर पा रही थी, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थी 5 टेस्ला, लेकिन जैसे जैसे ये सुपर कंडक्टर बना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इससे पास ना होकर उसके साइड से निकल रही थी, तो जब ये साइड से निकलेंगे तो साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आ जाएंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आ जाएंगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां से उन्होंने अनुमान लगाया कि अच्छा भाई ये हो रहा है, क्या फील आ रहा है इस चीज का, फील आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए कि यार अच्छा हो क्या रहा है। उन्हें कैसे पता चला, और दिल से बढ़ा रहे हैं आपको, और दिल पे ही आनी चाहिए बात, उन्हें पता कैसे चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही क्यों जा रही, उन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड ने ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पार जा रही या नहीं जा रही, क्या बात समझ में आई? तो इसी फिनोमिना को उन्होंने अपने ही ऑब्जर्व करा था, तो उन्होंने नाम दे दिया मैसनर। तो डेफिनेशन एक बार ध्यान से, क्या इसका फील आया भाई, समझ में आया? कोई डाउट है तो बताएंगे, कोई भी डाउट है आराम से, बिल्कुल आराम से वीडियो को वापस से देख लो, है ना, जब भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो करे, तो वीडियो को एक बार पीछे एक बार जाके फिर एक बार देख लिया। तो उससे होता क्या ना, कभी कभी कोई पॉइंट हमारे मिस हो जाता है, कभी ध्यान हमारा भटक जाता है, क्योंकि तो ध्यान हमारा कभी कभी भटक जाता है, तो जब ध्यान भटकेगा वापस से उस वीडियो को देखोगे तो घंटी बज जाएगी दिमाग की, भाई साहब क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एक बार डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा और फील आ जाएगा आपको कि व्हेन सुपर कंडक्टर आर कूल डाउन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, वही मैंने बात जो बोली थी यहाँ कि अगर एक सुपर कंडक्टर को या फिर एक कंडक्टर को मैं ठंडा करता हूँ बिलो द टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, दे एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पेनिट्रेट इनसाइड देम, तो क्या काम करता है वो, अब भाई साहब बिल्कुल राजा बन जाता है वो, क्या काम करता है कि भाई मेरे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होंगी, मुझसे पेनिट्रेट नहीं होंगी, तुम मेरे साइड से निकल जाओ, मेरे से बन लो। दिस फिनोमिना इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट, इसी फिनोमिना को हम मेसनर इफेक्ट कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेसनर इफेक्ट कहते हैं। और यहां पर ये मेसनर इफेक्ट इतना ही नहीं है कि सिर्फ यहां पर बस ये इतना ही हो गया, यहाँ पर मेसनर इफेक्ट ये भी प्रूफ करता है कि जो हमारे सुपर कंडक्टर्स होंगे वो परफेक्टली डायमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, कौन से, परफेक्टली डायमैग्नेटाइज्ड। अब कैसे होंगे, ध्यान समझना, अगर मान लीजिए, क्लियर, इसको अगर आपको नोट नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार हटा दें, चलिए कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए भैया, सिंपल सी बात है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्लियर, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। मेसनर इफेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी इसका हम प्रूफ भी करेंगे,
मेजर इफेक्ट का हम प्रूफ करेंगे लंदन इक्वेशन से, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो अभी हमने क्या बताया, अगर मान लीजिए उत्तर वही आंसर है, यहाँ पर ये बी हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सुपर कंडक्टर, इनसाइड द सुपर कंडक्टर। तो B कितना होगा जरा बता सकते हैं, जीरो। भाई इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, इसके अंदर तो कोई मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ ही नहीं है ना, अगर मैं कितनी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करता भी हूं, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी और सॉरी एच, क्लियर, मैं ये वाला एग्जाम्पल हटा देता हूँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भाई मेरी कितनी है, जीरो। So B equal to zero, और यहाँ पर ये M क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, ओके। सो भाई हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं ये कि जो M होगा या फिर जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एच प्लस एम के, क्लियर, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एच प्लस एम के। भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम इक्वल टू जीरो, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो कितना है, जीरो। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ सुनिएगा, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, क्या होती है भाई मेरे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके होती, किसके इक्वल होती है भाई, आप जानते हो क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल होती है एम अपॉन में एच के, है ना, मैग्नेटाइज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर मैं सुपर कंडक्टर के लिए देखूं तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरी माइनस वन, अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, तो ये इक्वेशन नंबर वन, अगर मैं इस इक्वेशन की मदद से देखूं तो एम अपॉन में एच की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। देखो ना ध्यान से, एच जो है इसको, इस वाली इक्वेशन को देखो, ये पूरी किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एच इक्वल टू माइनस का एम, एच इक्वल टू माइनस का एम। तो जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा एम के प्लेस पर माइनस का, सॉरी एम के प्लेस पर माइनस का एच पुट कर लो, या एच के प्लेस पर माइनस का एम पुट कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या वैल्यू आएगी, माइनस का वन। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, जो सिंपल से डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो उनका जो काई एम होता है, मतलब कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, वो लेस देन होता है वन के, लेस देन कितना होता है भाई मेरे, वन के, और इसकी तो माइनस वन आ रही है, मतलब इससे ये हो रहा है कि फॉर सुपर कंडक्टर्स जो काई एम है वो किसके इक्वल आ रहा है भाई मेरे, माइनस वन के, मतलब कि इस इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं आर आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्लियर। तो ये जो बात है ये इसी इफेक्ट से प्रूफ होती है, सिंपल सी बात, क्लियर। ये जो मेजर इफेक्ट है ये सिंपल सी बात प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि जो हमारा क्या कहते हैं सुपर कंडक्टर्स हैं, जो हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं वो परफेक्टली आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल, आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो एक से कम होती है, लेकिन इसकी माइनस वन है। तो ये आइडियल क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या काम करते हैं कि भाई अपने थ्रू जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, जो एक्सटर्नल फील्ड होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको अपने थ्रू पेनिट्रेट नहीं करते, अपने थ्रू पास नहीं करते, क्लियर। और वही बात यहाँ पर बताई गई और वही बात ऑब्जर्व भी करी गई, याद रखिएगा ये एक फिनोमेना है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये रियल में देखा गया है, ऐसे कोई हवा नहीं है जो भाई साहब आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, क्लियर, सिंपल सी बात क्लियर हुई। सो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, मेजर इफेक्ट ऑफ फ्लक्स एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स घट रहा है ना, फ्लक्स क्या हो रहा है, कम, तो इसलिए ये नाम भी पड़ा गया।
सो आई होप आपको समझ में आया हो कि मेसनर इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी या फिर जिसे हम मेसनर इफेक्ट इन फ्लक्स एक्सक्लूजन भी कहते हैं। क्या इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।